पैसे की दुनिया में चलती नहीं है, ना पेट चलेगी ना पैर चलेगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक होंगे अच्छे होंगे। और इस टाइम आए थे थोड़ा सा मतलब काम की तलाश में भटकने के लिए, क्योंकि यार पता है गंदा वाला काम करने मन नहीं करता यार, फिर भी उस काम को मजबूरी में कर रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ कहीं काम अच्छा से ढूँढूँ, अच्छा से काम करूँ, इसलिए मैंने है ना अपना काम मतलब अच्छी जगह पर काम ढूँढने के लिए मैं निकला हूँ घर से। और एक ठेकेदार से बात हुई है अभी कंपनी से कि आप आ जाओ देख लो काम। हम कहे चलो ठीक है हम आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ से मैं निकल चुका हूँ घर से, तब रास्ते में हूँ। अभी हाईवे है देख लो, ये पूरा हाईवे है। और हाईवे से निकल कर अभी IMT की तरफ घुस रहा हूँ, जो बल्लभगढ़ का IMT है उसमें घुस रहा हूँ, जा रहा हूँ उसी में। कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत कंपनियाँ हैं यहाँ पर। तो उसी कंपनी के अंदर काम की तलाश में निकला हूँ दोस्त। क्या करें यार, काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब तो समझते हो यहाँ दुनिया पैसों के लिए दीवानी है, जिसका पैसा है उसी का बोलबाला है। यार हम पैसे के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, कौन भी बिना एक बात होता, कोई भी हो बिना पैसे का कोई काम नहीं करता आज के वक्त में, कोई भी नहीं। चाहे यूट्यूबर क्यों ना हो या दुनिया में कोई भी इंसान हो, बिना पैसों का कोई काम नहीं करता यार। हम भी काम पैसों के लिए कर रहे हैं, दो पैसा हम भी कमाएं, कुछ अच्छा खाएं, अच्छा से रहें, कुछ पैसे अपनी फैमिली के लिए बचाएं। तो चलिए, टाइम नहीं है हमारे पास, अभी आपको रास्ते में हूँ। हो सकता है गाड़ी मोटर की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, इसलिए हम आपको ज़्यादा बोलेंगे नहीं। और इस टाइम हम निकल चुके हैं IMT, ये देखो पूरा राउंड अप दिखा दिया मैंने आपको। और इस टाइम हमारा IMT जाने का हो गया है रास्ता, ये है मेरा IMT जाने का रास्ता, बहुत बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है। तो चलिए मिलते हैं, अभी ठेकेदार से हम बात किए थे, बोला आप आ जाओ मैं आपको रिसीव कर लूँगा। तो चलो देखते हैं कैसा काम है, उसके बाद डिसाइड करेंगे यहाँ पर काम करना है कि नहीं करना है, नहीं तो फिर ज़िंदगी है ना उसी काले पीले में गुजरना होगा। तो हम कह नहीं सकते इस टाइम, लेकिन कोशिश यही लगाता है कुछ अच्छा काम मिले। चलिए अच्छा काम करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों अभी तो बात हुई है मेरी, हर चीज़ हो गई। उन्होंने कहा कि अभी पेट्रोल पंप के पास पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूं। तो दोस्त अभी जा रहा हूं पेट्रोल पंप के पास, वहीं पर जाके खड़ा रहूंगा, ये लोग आएंगे तो मुझे रिसीव करेंगे। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हम वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि काम की तलाश भटक रहे हैं दोस्त, क्योंकि हमारा भी कुछ मकसद होता है, हम भी दो पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो चलिए जब तक मेहनत करेंगे नहीं, काम ढूंढेंगे नहीं, जब तक रोज़गार मिलेगा नहीं, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो हम यहीं पर आए थे काम की तलाश है। मैंने बताया था दोस्त वहाँ पर काला पीला काम करते थे, पता नाक द्वारा अंदर जाता जाता है ना। सही बात बताऊँ तो मैं दो तीन दिन तक जब घर में छुट्टी करता हूँ ना, तब तक मेरे नाक से है ना मुंह से अगर मैं थूकूँ ना, तो जैसे कि खखास खखास फेंकता हूँ, कब फेंकता हूँ मुँह से निकल करके, तो भाई साहब उसके साथ काले काले आते हैं। मैं इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। और कुछ दिन पहले तो ऐसा हो गया था कि मेरे आँखों में केमिकल चला गया था, मेरा ई आँख से दिखना बंद हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिखना बंद हो गया, मतलब धुंधला धुंधला दिखता था। मैं समझ गया मेरी आंखें अब ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बड़ा और बड़ा डॉक्टर को दिखाया था MBBS को जाकर के, उस दिन के बाद मेरी आंखें थोड़ा सही हुई है। और मेरी आंखें जब से सही हुई तब से लेकर के मैंने ना आँखों को बचा के चला काम करता हूँ, लेकिन अब जितना दिन काम करूँगा एक ना एक दिन तो जाना ही जाना है। इसलिए मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया है दोस्त कि कुछ भी हो जाए मुझे ये काम को अब धीरे छोड़ना है। पहले स्थिति कुछ और थी मेरी, मजबूरी में मैं काम करता था, अब मेरी मजबूरी नहीं है, मैं ये काम को छोड़ना है तो छोड़ना है, बस मैंने डिसाइड कर चुका हूँ। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, चलिए देखते हैं काम छोड़ने के विषय फिर आग में लगे हुए हैं, अगर काम मिलेगा तभी काम छोड़ेंगे, काम नहीं मिलेगा तो काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी काम मिल गया, लेकिन अब थोड़ा इतना दूर है, देखते हो पैदल आ रहे हैं, कंपनी से पैदल आना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं दोस्त। अब थोड़ा साइकिल वाइकिल भी नहीं है, जितने जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पर, 8 बजे से ड्यूटी बताया,
3.5 घंटा ओवर टाइम बता रहा है और नाइट फाइट है साथ में जुड़ा हुआ है। अब लिमिटेड कंपनी है तो वो सब मंगा रहा है, मोबाइल का अलाव नहीं है, मोबाइल नहीं ला सकते। आज ले आए तो ले आए, कल से मत लाना। और पता है मैं वीडियो बनाने वाला बंदा हूँ भाई साहब, बिना मोबाइल का कोई काम नहीं होगा मेरा, सब जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। फिर इसलिए सोच रहे हैं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। काम पकड़े वहाँ पर कि यही काम नज़दीक में है वही करें, यहाँ करते हैं नज़दीक में तो यही होता है कि सैलरी थोड़ा लटका फटका देता है, और वहाँ दूर है तो यही कहता है कि सैलरी एकदम परफेक्ट टाइम पर मिलेगा। भाई कुछ पाने के लिए तो कुछ तो खोना पड़ेगा यार, या फिर आराम आराम से काम करते रहो, या फिर जल्दी उठो सवेरे जाओ तो अच्छा टाइम पर सैलरी मिलेगा। मतलब जहाँ पर टाइम दोगे वहाँ पर टाइम पर सैलरी है, जहाँ पर टाइम नहीं दे रहे हो वहाँ पर टाइम पर सैलरी नहीं है, बात यही है। अभी बेचारा हम आ गए कंपनी से घूम फिर के, मतलब कंपनी में हैं क्या बताएं यार, काम के चक्कर में भागते भागते हैं ना, हम भी काम के आदमी नहीं बचे हैं। ये देखिए क्या है गिरा रखी है, ये जो हॉर्लिक्स का डब्बा का ढक्कन खुल ले है, ये ढक्कन कौन सा खुला हुआ है? और दूध भी गर्म नहीं किया, फट जाएगा सारा दूध। अरे मैडम जी तुम तो है कल्याण ही करवा दोगी मेरा, और कुछ नहीं, मैं बेर बेर गर्म करेंगे तो एक ही बार गर्म कर देगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ दोस्त, वहाँ से तो काम करने आते थक गए यार, अभी तो पैदल चलते थे वहाँ थक जाते हैं, इसलिए दूर नहीं जाते हैं काम करने के लिए। सोच रहे थे दूर ना ही जाए तो अच्छा है यार, लेकिन मजबूरी है मेरी वहाँ तक जाने की, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि गंदा काम करूँ। और प्लस जानते हो यहाँ पर दिक्कत किस बात की है, मेन बात सैलरी की भी दिक्कत है यार, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, इस वजह से जा रहा हूँ। लेकिन क्या थक जाता हूँ जल्दी जल्दी, बहुत दूर है पड़ जाता है यार, कम से घंटा का समय लग गया दोस्त वहाँ से खाली कंपनी से घर आते आते, तब तनी मनी दूर है, बहुत दूर है यार। लेकिन क्या करें, वही सोच रहे हैं जाएँ कि नहीं जाएँ, इसी बात का सस्पेंशन में बैठे हुए हैं। अब यही बात है भाई, रोज़गार की बात है, पेट पालने की बात रहेगी, तो अब एक दिन ऐसा समय आएगा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सोच रहे हैं देखते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने का विचार लगाओ। इस कंपनी में यार मन नहीं लग रहा मेरा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि सैलरी वैलरी को लेकर के बहुत लटकन झटकन चल रही है, लटका लटका के पैसे दे रहे हैं लोगों को। अब एक बताओ, एक महीने दो महीने में पैसे मिल रहे हैं, दो दो महीने में यार, एक महीना में तो आदमी हालत ख़राब हो जाता है, अब दूसरा महीना में सैलरी दे रहा है। अभी बात आपसे क्या बोलूँ मैं, ये बात बोलूँगा तो आप कहोगे यार बात, जब देखो सैलरी की बात करता है, अब आज ही बात है, बिना पैसे के दुनिया में चलती नहीं है ना, पेट चलेगी ना पैर चलेगा, पेट के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। खोर खोर के सब बाल तोड़ रहा है, बल्कि बाल में सिलिकॉन लगा करके उसमें उन्हें लाई थी, कौन सा तेल उन्हें लगा के सकती है इसमें, है ना, नोच रहा है बाल, देखते थे ये लगाती थी बाल में, कहे कि बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रेक्स हेयर, अच्छा विटामिन, वाह भाई बहुत पैसा वाली है, हम लोग गरीब आदमी है ना यार, और छोटे छोटे बाल सही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। वीडियो आज तक के लिए इतना ही।